नमस्कार किसान भाइयों, मैं मयंक सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूं सेंगर एग्रीकल्चर फार्म में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं चंदन की खेती की शुरुआत की है। हमारे साथ हैं सर जी। नमस्ते। नमस्कार सर। तो कैसे हैं सर आप? बस ठीक है सर। अपना शुभ नाम बताइए। मैं कांति भाई भाईलाल भाई चल रहा है, आनंद डिस्ट्रिक्ट। बराबर। और आप स्टेट बैंक के मैनेजर भी रह चुके हैं। जी जी, रिटायर हो गया सर 4 साल पहले। जी जी। तो अभी आपने ये चंदन की खेती के बारे में प्लानिंग की है? जी सर जी। तो चंदन की खेती के बारे में हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ये केले का खेत है पूरा, बनाना का फार्मिंग हुआ है और यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं स्टार्ट। अब सर से पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या ये गड्ढे में क्या क्या प्लानिंग करा, कैसे कैसे ये कर रहे हैं सर? गड्ढे में तो जो निकला हुआ मट्टी है जी, सिटी कंपोस्ट डाला है जी, छानिया खाद डाला है। बराबर। और ये खेत पर्टिकुलरली ब्लैक सॉइल है। बराबर। तो पानी जो वाटर ड्रेनेज इजीली हो जाए इसीलिए इसमें सैंड भी डाला है, तो प्रॉब्लम ना आए पानी का और चंदन का ग्रोथ अच्छी तरह से मेंटेन रहे। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं अगर आपकी खेत की काली मिट्टी है तो किस प्रकार से उसको आपको कंप्लीट करना है और उस जमीन में भी आप चंदन की खेती कर सकते हैं। तो आप रिजल्ट देखिए और आगे देखेंगे। अभी ये दो स्प्रे ये दवाइयाँ डलवाई जा रही हैं, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं टर्माइट के लिए जी, 22-3 और क्लोरोपोरिफास मिक्स करके वहाँ इसमें झारी से स्प्रे किया जाएगा। दोबारा जब प्लांटेशन होगा उसी वक्त भी पानी के साथ ये मिक्स किया जाएगा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड। ये पौधे लगाने से कितने समय पहले ये आप करवा रहे हैं? ये कम से कम 15 दिन तो होना चाहिए ताकि थोड़ा सनलाइट मिले जी, कुछ हानिकारक बैक्टीरिया है इसका नाश हो जाए। और पौधे आपको मिल चुके हैं सर? हाँ मिल गए, कल आ गए। और पौधों का डिलीवरी हो चुका है, जो जो आपने ऑर्डर किया था वो प्रॉपर आपके पास पहुँचा? जी सर जी। और आपने एडवांस पेमेंट डाला था या नहीं डाला? जी जी डाला था सर। जी जी। तो आपका काम बराबर हुआ? नहीं नहीं, परफेक्ट, वेरी सेटिस्फैक्टरी। जी जी। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू, वेलकम सर।